जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जीडी है। लाइफ टाइम सेटलमेंट। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? दृश्यम 2 का इंतजार करने के बीच ही क्या है अजय देवगन की खास वजह? दृश्यम 2 के रिस्पॉन्स पर किस मूवी का भविष्य डिपेंड करता है? बॉलीवुड सिंघम अजय देवगन इन दिनों अपने बिग बजट और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं और उनके सुर्खियों में रहने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट दृश्यम 2 के बारे में आपको पता ही होगा, जिसका टाइटल ट्रैक भी रिलीज हो चुका है। आपको बता दें कि इस मूवी को लेकर अजय बेहद एक्साइटेड है और वो रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि उनकी आने वाली मूवी का इंतजार तो वो करेंगे ही, इसमें क्या बड़ी बात है? आपकी बात बिल्कुल सही भी है, पर जिस तरह से अजय की पिछली मूवी थैंक गॉड कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, ये एक वजह तो है ही, पर इसके साथ साथ अजय का कहना है कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद थ्रिलर फिल्में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है, तो वो चाहते हैं कि दृश्यम 2 इसकी कसर पूरी करे और ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो। अजय चाहते हैं ये ट्रिकी जॉनर बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल करे। वैसे अजय देवगन कुमार मंगत पाठक के साथ मूवी के ग्रैंड रिलीज के लिए बेहद ही एक्साइटेड है। कुमार मंगत पाठक यानी दृश्यम और दृश्यम 2 मूवी के प्रोड्यूसर, वैसे उनके बेटे अभिषेक पाठक भी दृश्यम मूवी के साथ साथ दृश्यम 2 के भी प्रोड्यूसर हैं और मूवी दृश्यम 2 को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि अजय जल्द ही रेड 2 मूवी में दिखाई देने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। रेड मूवी जो 2018 में रिलीज हुई, जिसके प्रोड्यूसर थे कुमार मंगत पाठक। वैसे अजय ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने कुमार के साथ काफी चर्चा की है और वो अभी उन्हीं स्क्रिप्ट्स पर काम करना चाहते हैं जो ऑडियंस को खुश करे। अजय अपनी स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस हो चुके हैं। अजय का कहना है कि दृश्यम 2 मूवी को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के ऊपर डिपेंड है कि वो रेड 2 पर काम करेंगे या नहीं। वैसे अजय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें मैदान और भोला भी शामिल है, तो आप बताइए कि आप अजय की कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।